इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्या आप जानते हैं कि हमारी समाज में जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले विकलांग जनों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की घटनाएं 2 से 10 गुना ज्यादा तक होती हैं? कई सारी स्टडीज में ये बात सामने आई है। अब 2 से 10 गुना ज्यादा घटनाएं विकलांगजनों के साथ होती हैं, ये हमें एक बड़ी संख्या लग सकती है। लेकिन अगर हम इसमें ये 2 बातें भी जोड़ लें कि विकलांगजन अक्सर अपने साथ होने वाली सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाओं को रिपोर्ट नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और इसके अलावा बहुत से लोगों को ये भी सटीक जानकारी नहीं है कि यौन उत्पीड़न में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, और ये भी एक वजह है कि यदि कोई रिपोर्ट करता भी है तो वो कई सारी चीजों को लोग मिस भी कर जाते हैं और वो घटना यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट की तरीके से रिपोर्ट भी नहीं हो पाती। तो अगर ये सारी चीजें भी मिला ली जाए तो विकलांगजनों के साथ होने वाली जो यौन प्रताड़ना की घटनाएं हैं उसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे सामने एक भयावह तस्वीर सामने आएगी कि हमारे समाज में विकलांगजनों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। अब चूंकि इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग जानते नहीं कि कौन कौन सी चीजें यौन उत्पीड़न के दायरे में आती हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज ये एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि हम आपको बताएं कि यौन उत्पीड़न में कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं, ताकि उन बातों को उसी तरीके से रिपोर्ट भी किया जा सके। आपने हाल के समय में देखा होगा कि मीटू मूवमेंट के जरिए बहुत सारी महिलाएं सामने आ रही हैं और वो जिन पुरुषों ने उनको यौन प्रताड़ित किया उनके बारे में वो रिपोर्ट कर रही हैं। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि विकलांगजन भी डरे नहीं, यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, तो वो किसी को बताएं, अथॉरिटीज को बताएं, और इस तरह की चीजों को छुपा कर बैठ जाने से काम नहीं बनता, क्योंकि इससे जो अपराधी होता है उसको और ज्यादा शह मिलती है और इस तरह की घटनाएं फिर रुक नहीं पाती हैं। यौन उत्पीड़न के केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेक्सुअल इंटेंट का होना, कि जो व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उसके दुर्व्यवहार में, उसके बुरे व्यवहार में सेक्सुअल एलिमेंट शामिल है या नहीं है। तो अगर उसकी इंटेंशन सेक्सुअल है तो उसे यौन उत्पीड़न की घटना माना जाता है। शुरुआत के लिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, अब यहां पर मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि यौन उत्पीड़न केवल महिलाओं के साथ नहीं होता, वो पुरुषों के साथ भी होता है। खास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनके साथ तो यौन उत्पीड़न की घटनाएं काफी आम हैं, और यदि वह लड़का विकलांग भी हो तो जैसा कि हमने आंकड़ों के हिसाब से आपको बताया, वो चांसेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो हमें अपनी सोच को इस तरीके से बदलना होगा कि यौन उत्पीड़न केवल महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, पुरुष भी इसके शिकार होते हैं। सो अब हम वापस लौटते हैं कि यौन उत्पीड़न में शामिल क्या क्या है। यदि कोई व्यक्ति, महिलाओं का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि कोई महिला सड़क पर जा रही है, कोई व्यक्ति उनसे छेड़खानी करता है, बस में छेड़खानी करता है, किसी चौराहे पर कोई लोग खड़े हुए हैं, वो किसी स्त्री के ऊपर फप्तियां कसते हैं, टिप्पणियां करते हैं, ये सारी चीजें यौन उत्पीड़न में शामिल होती हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति आपका पीछा करता है, लगातार पीछा करता है, आपके मना करने के बावजूद वो नहीं मानता है, तो इसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिधि में माना जाता है। फिर यदि कोई व्यक्ति आपको अश्लील सामग्री भेजता है, चाहे वो फोटोज की फॉर्म में हो, वीडियोस हो, या वो लिखित सामग्री हो,
इस चीज़ को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में माना जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट ये आती है कि अपराधी का सेक्सुअल इंटेंट होना एक अगर उसमें शर्त है तो ये भी बात है कि कंसेंट नहीं होनी चाहिए। तो जो स्त्री है या जो भी यदि पुरुष के साथ यौन दुर्व्यवहार हो रहा है तो उस केस में पुरुष के साथ स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, महिला को परेशान किया जा रहा है, तो वह सबसे पहले तो स्पष्ट रूप से नो कहे कि वो इस तरह के व्यवहार से परेशान हो रही है और सामने वाले को इस तरह का व्यवहार बंद कर देना चाहिए। ये जरूरी है आप पूरे निश्चय के साथ इस बात को कहें कि सामने वाला व्यक्ति इस तरह की बातों को बंद करे। उसके बाद भी यदि व्यक्ति नहीं मानता है और उस मानसिक प्रताड़ना को या शारीरिक प्रताड़ना को जारी रखता है तो आप जरूर इस तरह की घटना को पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अश्लील सामग्री बिना इच्छा के भेजना ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिधि में आता है। यदि कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है या आपके चारों तरफ इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है और एक डर का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है और आपसे सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करता है तो वह भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आता है। इस तरह की घटनाएं ऑफिसेज में अक्सर देखने को मिल जाती है जहां यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करता है और महिला उसके लिए स्वीकृति नहीं देती तो कई बार ऐसा होता है कि जो सुपीरियर्स होते हैं, बॉस होते हैं, वो उस महिला के चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि उसके ऊपर दबाव बने और एक डर का माहौल बने और वो अपनी स्वीकृति दे दे। यदि ऐसी स्थिति में महिला स्वीकृति दे भी देती है तो भी इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा क्योंकि महिला ने अपनी स्वीकृति दबाव के अंदर दी। तो ये जो होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। फिर इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपको आपकी मर्जी के बिना छूता है, वो जो टच है, वो जो छुअन है, वो चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो लेकिन यदि उसके अंदर सेक्सुअल इंटेंट शामिल है, महिला को अगर ऐसा लगता है कि उसको सेक्सुअल इरादे के साथ छुआ गया है और उसमें उस महिला की स्वीकृति नहीं है तो इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें जिसमें कि सेक्सुअल इंटेंट हो वे सब भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आती हैं। रेप के लिए तो खैर हमारी आईपीसी के अंदर एक अलग धारा मौजूद है तो रेप की घटनाओं को उसके तहत रिपोर्ट किया जाता है और डील किया जाता है। लेकिन आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, किसी महिला के सम्मान को हानि पहुंचाना, और सेक्सुअल हैरेसमेंट में जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि पुरुषों के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, तो पुरुषों के मान को भी हानि पहुंचाना, ये सब ऐसी सारी घटनाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आएंगी। यदि आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जरूर पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, अथॉरिटीज को बताइए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप पुलिस तक नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम इतना जरूर कीजिए कि किसी को तो अवश्य बताएं। इस तरह की घटनाओं को डर के मारे छुपा कर बैठना सबसे ज्यादा गलत बात इसलिए होती है क्योंकि इससे अपराधी को शय मिलती है। तो आप अपने दोस्त को बताइए, माता पिता को बताइए, भाई बहन को बताइए, पड़ोसी रिश्तेदार जिसके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, उसे बताइए, उसके साथ अपनी बात शेयर कीजिए और उस व्यक्ति की मदद से आप पुलिस तक जाइए, पुलिस को अपनी बात बताइए और जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उसके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए।
जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, विकलांग जनों के साथ इस तरह की घटनाएं होने के जो चांसेस हैं वो कई गुना ज्यादा होते हैं। इसलिए विकलांग जनों के जो परिवार में लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि विकलांग जनों के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो और वे इस तरह की घटनाओं के से सुरक्षित रहे। कई बार ऐसा होता है कि विकलांगता की वजह से कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है, तो इस तरह की परिस्थितियों में ऐसा भी देखने में आया है कि जो देखरेख करने वाला व्यक्ति है, कई बार वही विकलांग व्यक्ति को सेक्सुअली हैरेस करता है। तो इतना ज्यादा आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और इससे हमें कोई खतरा नहीं है। जो परिवारजन है या जो दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी हैं, उन सबको पूरी तरह से अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और इस बारे में सचेत रहना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि यह पाया गया है कि अधिकांश मामलों में सेक्सुअल हैरेसमेंट वही व्यक्ति करता है जो कि विक्टिम को जानता था। अनजान लोग इस तरह के अपराध फिर भी कम करते पाए जाते हैं, जानने वाले लोग ज्यादा इस तरह के अपराध करते पाए गए हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन उत्पीड़न की का जो दायरा है उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की किसी घटना से दो चार नहीं हो रहे हैं, लेकिन यदि आप हो रहे हैं तो अब मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इस तरह की बातों को रिपोर्ट करें, ताकि आपको उस डर से और उस दर्द से छुटकारा मिले और आप अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें। सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ और किस तरीके से डील किया जाता है, इसके बारे में हम कुछ और वीडियोस आने वाले दिनों में प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें भी जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम विकलांग जनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके बारे में हम अक्सर वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं जो आपके लिए बहुत काम के साबित हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।